बाल सुधार गृह में यौन शोषण के मामलों ने जहां सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं, वहीं सीएम योगी इस मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने सभी जिलों में चल रहे ऐसे संरक्षण गृहों की जांच करने के आदेश दिए हैं। हरदोई में ऐसे ही जांच के बाद एक एनजीओ का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने जालसाजी करके सरकारी ग्रांट का दुरुपयोग किया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना बेलीगंज में स्वाधार गृह का संचालन पिछले कई सालों से हो रहा था, जिसमें 21 संवासनियों को वहां रहना दिखाया जा रहा था, जबकि वास्तव में वहां सिर्फ दो ही संवासनियां रह रही थी। शेष वो फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाकर और सरकारी सुविधाएं सरकारी अनुदान प्राप्त किए जा रहे थे। इस संबंध में जिलाधिकारी और उनकी टीम द्वारा जाँच की गई और जाँच में उनको दोषी पाया गया, जिसके आधार पर FIR पंजीकृत कराई गई है। FIR पंजीकृत होने के बाद से विवेचना के आधार पर उसमें उसकी संचालिका आरती को आज गिरफ्तार करके न्यायालय में हाजिर किया जा रहा है। अब तक ये पाया गया कि इन लोगों ने पिछला जो भी अनुदान लिया था वो फर्जी संवासनियों की उपस्थिति दिखाकर प्राप्त किया गया। जानकारी के अनुसार कृष्णनगर में आयशा ग्राम उद्योग संस्था महिला सुधार गृह चला रही थी। जब पुलिस जांच करने पहुंची तब पता चला कि रजिस्टर में 21 महिलाओं के नाम अंकित हैं, जबकि मौके पर केवल 2 महिलाएं मिली। पुलिस ने सरकारी पैसों में गड़बड़ झाले का अंदेशा देखते हुए सभी कागजों को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। हरदोई से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट।